है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। प्राचीन पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो मगध राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। लगभग 300 बीसी से यहाँ मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। आज का आधुनिक पटना गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर बसा हुआ है। यह शहर कई और नदियों को अपने में समेटे हुए है। जून 2009 में विश्व बैंक ने कारोबार के मामले में दिल्ली के बाद पटना को दूसरे नंबर पर बताया था। पटना को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में 21वां स्थान मिला है। पटना के आसपास कई महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, जैसे वैशाली, राजगीर, नालंदा, गया, बोधगया और पावापुरी। इन जगहों पर आप हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की छाप देख सकते हैं। यह सिखों का भी पवित्र स्थान माना जाता है। सबसे आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म इसी जगह हुआ था। यह शहर पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। 2005 में लगभग 24 लाख पर्यटक यहां घूमने आए थे। खासकर बोधगया के प्रति विदेशी पर्यटक का काफी झुकाव रहता है। यहां के सांस्कृतिक धरोहरों की बात करें तो कई प्राचीन जगह और इमारतें देखने लायक है। कुम्हरार और अगम कुआं सम्राट अशोक के समय की धरोहर है, जो आज जर्जर अवस्था में है। दीदारगंज याक्षी मौर्य कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तख्त श्री पटना साहिब सिखों के मशहूर तख्तों में से एक है और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है। इसके अलावा पटना में और भी गुरुद्वारे हैं। पटना में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे हनुमान मंदिर। यह पटना स्टेशन के पास है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की लंबी कतार देखी जा सकती है। पटना प्लैनेटोरियम एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है, जिसे देखने स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं। श्री कृष्ण साइंस सेंटर, जिसे 1978 में बनवाया गया, इसे भी लोग देखने आते हैं। हर साल लगभग यहाँ 2 लाख से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं। पटना का चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान भी आकर्षण का केंद्र है। 1 जनवरी 2013 से बिहार सरकार ने यहां खाने पीने की वस्तु अंदर ले जाने पर पाबंदी के साथ आपराधिक तत्वों पर भी अंकुश लगाने की पहल की है। पटना के लिए रेल, सड़क और हवाई यातायात का इस्तेमाल किया जा सकता है। पटना के नए स्वरूप को देखकर आश्चर्य होता है। चौड़ी सड़कें, नए बस स्टॉप, फ्लाईओवर्स और अपार्टमेंट के साथ मॉल्स एक बार की पुराने लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे यह शहर नई करवट ले रहा है। अपने समृद्ध प्राचीन इतिहास का इसे बोध है, इसलिए जहां इस शहर ने अपने विरासत को सजोया है, वहीं आधुनिकता से कदम ताल करता हुआ अपने को फिर से सवार भी रहा है। अब यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक है। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।